हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज की वीडियो होने वाली है रिव्यू वीडियो इसमें मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड एकोलॉजिका और ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा चर्चा में आजकल सारे इन्फ्लुएंस इसके बारे में बात कर रहे हैं सो आई थॉट लेट जस्ट ट्राई दिस वन और ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी मैंने लाइक दिस वीडियो इज नो वे स्पॉन्सर्ड ये प्रोडक्ट मैंने अपने खुद के पैसों से लिया है सो लेट मी मेंशन दैट जो भी मेरी वीडियो स्पॉन्सर्ड होती है मैं हमेशा मेंशन करती हूँ सो so, uh, ये मैंने अमेजोन से बाय किया था दैट्स आउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एक्ोलॉजिका की आई थिंक ये दो से तीन फ्लेवर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो मैंने बाय किया है दिस इज पपाया एंड वाइटामिन सी इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग आती है इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है ये आपको रिटेल करता है थ्री नाइनटी नाइन नाएं रुपीज इसमें आपको फिफ्टी ग्राम्स की क्वांटिटी मिल जाती है से दिस इज एसपीएफ प्लस पी ए ट्रिपल प्लस यूवी ए एंड यू वी बी से आपको ये प्रोडक्शन देता है दिस इज यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी इसकी इन पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखती है इट डज है वेरी ब्राइट यूज टू इट एंड या दिस इज दिस इज ग्लो प्लस डू सनस्क्रीन आई हैव अ ऑयली स्किन बट स्टिल आई वॉन्ट टू ट्राई डूई वर्जन बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार वो नेचुरल uh, वाला ग्लो काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये इस तरह के पंप पैकेजिंग में आता है लाइमी टेल यू वन थिंग जो इसकी पम्प पैकेजिंग है वो इतनी बकवास है कि इससे प्रोडक्ट ही नहीं निकलता लाइम शो यू वन थिंग लाइक इससे आपका प्रोडक्ट निकलेगा ही नहीं लाइक like, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया उस टाइम प्रोडक्ट निकला अब देखो ये बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट निकल रहा है क्योंकि मैंने इसको उल्टा करके रखा था कैन यू सी दैट एंड इो डिफिकल्ट प्रोडक्ट निकालना इतना सा प्रोडक्ट भी बहुत मुश्किल से निकला है क्योंकि मैंने इसको काफी देर तक उल्टा करके रखा था अब मेरे को ना इसको पूरा निकालना पड़ता है लाइक दिस एंड यू कैन सी दिस इज वेरी थिक अभी इसमें दिख नहीं रहा है जो क्रीम है आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा थिक है तो और जो इसका मेकेनिजम है ड वर्क इवन कैन यू सी सो इस तरह की जो पैकेजिंग होती है पम्प पैकेजिंग इसमें ना एक वो पाइप सी होती है स्ट्रॉ सी होती है जो कनेक्ट करती है अपनी लिड को तो वो तो मुझे इसमें कहीं नहीं दिखी जिसकी वजह से ये क्रीम निकलती नहीं है सेकेंड ऑफ ऑल जब भी मुझे प्रोडक्ट निकालना इस तरह से फिंगर से इंसर्ट करके निकालना पड़ता है पूरा निकालने के बाद सो so, मैं ये कहना चाहूंगी एक्लॉजिका को कि मुझे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया इनका जो इन्होंने सनस्क्रीन बनाई है इट्स रियली नाइस इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है विच इज रियली गुड कोई भी आपको व्हाइट कास्ट नहीं देती है फेस पे इट्स नाइस इट्स हाइड्रेटिंग बट बट पैकेजिंग इतनी बकवास है कि मेरे को इतना गुस्सा आता है कई बार कि मैं इस पैकेजिंग को फेंक दू साथ में प्रोडक्ट भी फेंक दू क्योंकि निकलता ही नहीं है प्रोडक्ट यू हैव टू जस्ट इन सर्ड योर फिंगर्स आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट दिस थिंग जब ये बहुत नीचे पहुंच जाएगा तो मैं कैसे निकालू या तो मुझे इसको किसी और चीज में लाइक um, डालना पड़ेगा सनस्क्रीन को मैं तभी यूज कर सकती हूँ वन इट्स सो डिफिकल्ट यू कैन सी मैंने इसको ना यहाँ से कई बार तो ओपन नहीं होता तो मेरे को इस तरह से दांत से खोलना पड़ता है इसको प्लीज एकोलॉजिका पहले तो इसकी पैकेजिंग ठीक करो प्रोडक्ट इज नाइस आई रियली लाइक डिट आई थिंक ऑन द जो प्राइसिंग है इसकी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट द पैकेजिंग इज अ बिग फेल फॉर मैं आपको प्रोडक्ट ब्लेंड करके दिखाती हूँ ये इसको ब्लेंड करना भी बहुत ईजी है यू कैन सी नो वाइट कास्ट इट गिवस यू अ वेरी नाइस डुई काइंड ऑफ अ फिनिश बहुत बहुत ज्यादा डूई भी नहीं है जितना लोग इसको लाइक like, एड्स में दिखाते हैं ना कि बहुत ज्यादा डूई है आपके फेस को बहुत डूई बना देगा

सो so, uh, अगर आपको भी ऐसी पैकेजिंग मिली है जो काम नहीं करती या तो मुझे ही मिली है तो अलग बात है कि बीच बीच में ऐसे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं बट बर... अगर सबकी पैकेजिंग ऐसी है ना इतनी अनोइ है तो प्लीज एक्लॉजिका प्लीज डू समथिंग प्रोडक्ट इज वेरी नाइस आई रियली लाइक द प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इसको लाइक like, आगे भी यूज करना चाहूंगी बट मैं इसको किसी और कंटेनर में डाल दूंगी क्योंकि रोज मुझे इस इसपे गुस्सा आता है इसको निकालने में रोज सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब होता है इसको निकालने में सो so, मैं इसको अगर पैकेजिंग के अकॉर्डिंग दू तो फाइव आउट ऑफ वन दूंगी और अगर मैं इसको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दू तो मैं चार नंबर दूंगी क्योंकि ये काफी अच्छी सनस्क्रीन है आई कैन लाइक कंपेयर टू द डर्मा को वाली जो सनस्क्रीन है उससे बट वो ज्यादा हाइड्रेटिंग है मेरे अकॉर्डिंग उसमें ज्यादा हाइड्रेशन आपको मिलती है सो so, अगर आप ड्राई ड्राई स्किन वाले हो तो आप डर्मा को वाली ट्राई कर सकते हो और ये वाली सनस्क्रीन सारी स्किन टाइप वाली यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है हाइड्रेट भी करती है वैसे सनस्क्रीन के साथ आपको हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना है बी इट्स एनी वो चाहे जितनी भी मॉइस्चराइज सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको लिंक मिल जाएगा सो या गाइड दैट्स अबाउट दिस रिव्यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में सी नेक्स्ट टाइम बाय